तो यार दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे दबंग दिल्ली की स्ट्रॉन्गेस्ट स्टार्टिंग सेवन फॉर प्रो कबड्डी 2024। तो शुरुआत करते हैं टीम के कैप्टन एंड टीम के मेन रेडर से। तो मुझे लगता है कि नवीन कुमार अगर इंजुरी से पूरी तरह से रिकवर हो जाते हैं तो वो टीम के कैप्टन बन सकते हैं और वो सेंटर पोजीशन पर खेलेंगे। नवीन कुमार का रेडिंग डिपार्टमेंट में साथ दे सकते हैं राइट इन पोजीशन पर आशु मलिक, और अगर नवीन की इंजुरी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती है तो आशु मलिक टीम की कैप्टनसी भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि लेफ्ट इन पर खेल सकते हैं सिद्धार्थ देसाई या फिर आशीष। दबंग दिल्ली के डिफेंस की बात करें तो राइट कवर के पोजीशन पर खेल सकते हैं नितिन पनवर या फिर हिम्मत अंटिल, और लेफ्ट कवर के पोजीशन पर खेलेंगे पिछले सीजन की तरह ही विक्रांत। कॉर्नर की बात करें तो राइट कॉर्नर पर खेल सकते हैं योगेश, एंड लेफ्ट कॉर्नर पर मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है रिंकू नरवाल और आशीष के बीच में। ओवरऑल देखा जाए तो दबंग दिल्ली की टीम बैलेंस नजर आ रही है। दिल्ली का रेडिंग डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है कंपेयर डिफेंस। तो दोस्तों, आपकी दबंग दिल्ली की स्टार्टिंग सेवन क्या है आप मुझे कॉमेंट्स करके जरूर बताना, और ऐसे ही प्रो कबड्डी से जुड़े अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।